हे hey गाइस नमस्कार आप लोगों का टॉप टेन क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब स्वागत है गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा बारह की भौतिक विज्ञान की इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यंग का प्रयोग और प्रकाश के व्यतीकरण के बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों आज हम उन्हीं टॉपिकों पे आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो की आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जितने प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे सारे प्रश्न किसी न किसी सत्र एग्जाम में पूछा गया है प्यार उम्मीद करते हैं की आज की सभी जो बताए जाए बताए जाने वाले जो सवाल होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाले बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा कर दिखाई पड़ रहा, तो रहा होगा वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा प्यारे बच्चों थोड़ा सम भी देख लेते हैं तो सबसे पहला सवाल है जो कि 2000 कितने में पूछा गया है इसमें तो मिट गया लगभग पहले बच्चों दिख नहीं रहा कोई बात नहीं किसी सत्र में पूछा गया सामान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के आयाम चार अनुपातें तीन के अनुपात में है यदि दोनों तरंगे व्यतीकरण करें तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा यानी इनके कहने का मतलब है कि समान आवृत्ति की दो तरंगे व्यतीकरण कर रही हैं। उनके आयामों का अनुपात चार अनुपात तीन है तो आगे क्या बोला है कि इनकी महत्तम और न्यूनतम का अनुपात क्या होगा महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम का अनुपात सॉरी महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा तो आइए हम लोग महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकाल लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो, जो दो सामान आवृत्ति की दो तरंगे तो वो दो तरंगे मान लेते हैं ए वन और ए टू है माना सामान आवृत्ति की सामान आवृत्ति की दो तरंगे ए वन व क्या है ए टू है अब आप बताइए जो दिया है दिया क्या है इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात अर्थात ए वन बटे ए टू बराबर दिया है चार बटे तीन अगर हम ए टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों ए वन इक्वल टू हो जाएगा चार बटे तीन और इन कितना हो जाएगा ए टू हो जाएगा क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं बोल रहा है कि इनकी तीव्रताओं का अनुपात इनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिएगा तो तीव्रता का जो अनुपात होगा वो भी महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का तो महत्तम तीव्रता के लिए हम लोग लगाते हैं आई मैक्स इक्वल टू महत्तम के लिए होता है प्यारे बच्चों दोनों का आयाम आपस में जुड़ जाता है और जो तीव्रता होती है वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है आई बराबर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग ऐसे ठीक तो महत्तम के लिए आयाम जुड़ जाता है और जो न्यूनतम की बात आती है आई मिनिमम हम लगाएंगे उसके लिए न्यूनतम के लिए जो आयाम होती है वो क्या हो जाती है प्यारे बच्चों घट जाती है तो चलिए आइए इन्हीं को सॉल्व करना है तो आइए ए वन का मान आपके पास है रखिए वन का वन के स्थान पे हम चार बटे तीन ए टू रख सकते हैं चार बटे तीन ए टू प्लस कितना है प्यारे ए टू है बटे एक कर लें और इस इस वाले को ए वन के स्थान पे हम रखेंगे चार बटे तीन ए टू माइनस ए टू है ठीक इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर चलिए ध्यान से देखिए तीन का गुणा यहां करेंगे तो तीन ए टू हो जाएगा तो चार तीन सात तो प्यारे बच्चों ऊपर मिलेगा सात ए टू बटे तीन का होल स्क्वायर और यहां पर बचेगा देखिए में से तीन घटा देंगे तो एक आ जाएगा तो ए टू बटे कितना आ जाएगा तीन का होल स्क्वायर तो प्यारे बच्चों ये तीन तीन से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अब आपके सामने क्या बचेगा आपके सामने बचेगा सात ए टू बटे कितना ए टू का तो सात का स्क्वायर करेंगे तो उनचास ए टू का वर्ग आ जाएगा और ये ए टू का वर्ग आएगा तो ये ये कैंसिल हो जाएगा तो इनकी जो महत्तम तीव्रताएं हैं महत्तम तीव्रता और जो न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है वो उनचास और नीचे कुछ नहीं बचा तो उनचास बटे एक हो जाएगा यानी इनके तीव्रताओं का जो अनुपात है प्यारे बच्चों आई मैक्स अनुपातें आई मिन होगा उनचास अनुपात कितना एक ये रहा आपके प्रश्न का जवाब जो आपके बुक आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा था उनका जो है सबसे पहला सु... उत्तर ये है दोस्तों क्या करना था जानते हो आपको आयाम दिया गया था आयाम अलग अलग न देकर आयाम का रेशियो दिया था और आवृत्ति उनकी सेम थी आवृत्ति सेम थी तभी तो व्यतीकरण की घटना हो रही थी प्यारे बच्चों तो बोले भाई कि आप तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए परंतु महत्तम तीव्रता यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात तो महत्तम तीव्रता के, के लिए आयामों का जुड़ जा जोड़ हो जाता है और न्यूनतम के लिए आयामों का घटाव हो जाता है प्यारे बच्चों तो वही फॉर्मूले लगाकर हम लोगों ने इसको हल कर दिया तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम बातें करने वाले अब स्क्रीन पे जो दूसरा प्रश्न आपको दिखाई पड़ने वाला प्यारे बच्चों उस प्रश्न की बात करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात अनुपात उनचास है तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा तो आइए ध्यान से देखते हैं कह रहा है कि दो तरंगों के दो तरंगों के तीव्रताओं का अनुपात इक्यासी अनुपाते उनचास है यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि इनके आयाम की आयाम का अनुपात इस बार नहीं दिया आपको आयाम का अनुपात आपको ज्ञात करना है बल्कि तीव्रता का अनुपात आपको दिया गया है और भी तीव्रता का अनुपात है इक्यासी अनुपाते कितना प्यारे बच्चो उनचास तो आइए बिल्कुल हम आसान से ज्ञात करेंगे प्रश्न नंबर दो तो हम इन्हीं फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं इन्हीं फार्मूले का उपयोग करेंगे तो क्या दिया है आई मैक्स इक्वल टू आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो गाइस देखिए आई मैक्स अपान आई मिन का फार्मूला होता है ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर बटे ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर तो ध्यान से देखना दोस्तों ये चीज आपको दी गई है ये चीज आपको दिया गया है ओनली इन चीजों को ज्ञात करना है तो भैया ये चीज आपको दिया गया है तो हम लिखेंगे कितना दिया गया उनचास अनुपाते इक्यासी यही दिया है चलो बराबर ए वन प्लस ए टू और ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर पूरे का लगा दिए एक साथ में अब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कड़ी लगती है तो इधर अंडर रूट लगेगा उन्चास बटे इक्यासी और और इधर क्या जाएगा तो A1 प्लस A2 और आ ए वन माइनस ए टू उनचास का वर्गमूल निकालोगे तो सात आएगा और इक्यासी का वर्गमूल निकालोगे तो नौ आएगा ए वन प्लस ए टू और ए वन माइनस ए टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो नौ का गुणा ए वन से करेंगे तो नौ ए वन आएगा फिर नौ का गुणा ए टू से करेंगे तो नौ ए टू आएगा फिर सात का गुणा ए वन से करेंगे तो सात ए वन आएगा फिर सात का गुणा ए टू से करेंगे तो सात ए टू आएगा ठीक ए टू वाले एक तरफ ए वन वाले पक्ष एक तरफ प्यारे बच्चों तो ध्यान से लिखिएगा तो क्या आ जाएगा यहां आएगा, आएगा आपका नौ ए टू ठीक ये माइनस सात ए टू इधर आएगा तो प्लस सात ए टू हो जाएगा बराबर इधर सात एवन है तो नौ एवन उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों ये जो वन है उधर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा सात ए वन और माइनस नौ एवन यही होगा ना देखिए सात एवन आपके पास है नौ एवन उधर जाएगा तो माइनस नौ एवन हो जाएगा नौ सात कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों सोलह ए टू और यह सात में से नौ घटा देंगे तो माइनस दो A1 आ जाएगा अब ध्यान से देखिएगा आपको अनुपात ज्ञात करना ए टू को हम इधर कन्वर्ट करेंगे और माइनस दो को इधर बुलाएंगे तो सोलह बटे कितना आएगा माइनस दो आएगा ठीक बराबर यहां ए वन अपान ए टू मिल जाएगा देखिए दो अठे सोलह हो जाएगा यहां एक आ जाएगा यानी माइनस आठ अनुपाते एक बराबर ए वन अनुपाते ए टू यह चीज आपको मिलेगा वहां पर यह चीज आपको प्राप्त इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो फर्स्ट नंबर प्रश्न था और सेकेंड नंबर प्रश्न इस प्रकार क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता वहां पर आपको क्या दिया था जानते हैं प्रश्न नंबर दो में कहा रहा था कि उनकी प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात यानी आई मैक्स और आई मिनिमम आपको दिया गया था तो हम जानते हैं कि आई मैक्स और आई मिनिमम इस फॉर्मुले के बराबर होता है तो ये दिया था तो इधर से जैसे ही ये स्क्वायर हटाते हैं इधर अंडर अंडर रूट रूट लग जाता में मान निकाले तो सात बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने आगे क्या कर लिया हल कर लिया तो आप चाहो तो दोनों प्रश्न का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम बातें करने वाले तीसरा नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो कि दो हजार ग्यारह में पूछा गया है सामान्य तरंग दैर्घ और सामान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 अंश के कलांतर पर मिलती है यानी फाइ आपको दे दिया गया है प्यारे बच्चों वो है 180 अंश ठीक ध्यान से देखिएगा वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा यानी परिणामी आयाम का मतलब है कैपिटल ए आपसे पूछा जा रहा है यानी क्या कर रहा है कि दो तरंगे कहीं एक जगह है? 180 अंश के कोण पर एक दूसरे से मिलती है तो बताओ वहां परिणामी आयाम कितना होगा तो प्यारे बच्चों आयाम के लिए भी हम लोगों ने व्यंजक निकाला था अगर आपने वीडियो देखा होगा थ्योरी वाला तो जानते होंगे परिणामी आयाम के लिए व्यंजक हम लोगों ने निकाला था ए बराबर क्या होता था अंडर रूट में था ए वन का वर्ग प्लस फिर कौन था ए टू का वर्ग प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव इस वाले फार्मूले से परिणामी आयाम हम निकालेंगे चलिए तो ध्यान से देखना a1 और a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग प्लस टू ए वन ये जो कॉस फाइव है वहां 180 रख देंगे तो कॉस 180 सौ अंश हो जाएगा और गाइस सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि कॉस एक अंश का मान माइनस एक होता है ठीक तो माइनस एक तो ये माइनस हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ए का वर्ग प्लस ए टू का वर्ग यहां जहां प्लस है या तो ये एक स्टेप और रख लेते हैं या तो डायरेक्टली करो एक का मान होगा माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस वाला माइनस में जाएगा। माँग तो माइनस टू ए वन ए टू हो जाएगा अब अगर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों तो चाहो तो यहां लिखना चाहो तो लिख दो चूंकि कॉस एक सौ अस्सी अंश बराबर क्या होता है माइनस एक होता है ठीक अब इधर ध्यान से देखना ये किसका फार्मूला बना ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी किसका फार्मूला बन गया प्यारे बच्चों ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर यही फार्मूला बना है प्यारे बच्चों परंतु प्रश्न की पहले ही लाइन में बोला था कि दोनों के आयाम भैया सेम है दोनों तरंगों की आयाम सेम है सेम टू डिटो है यानी तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि ए वन बराबर क्या है ए टू है दोनों के आयाम आपस में सेम है तो भैया ए वन के स्थान पे ए टू रख दें तो क्या आ जाएगा ध्यान से ए वन के स्थान पे पर टू चाहे होल स्क्वायर करो मिला जुला के क्या आ जाएगा जीरो तो भैया परिणामी आयाम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर तीन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों देखिए कितना सरल सवाल पूछ रहा है एग्जाम में आपके आगे अब आपको जो चौथा प्रश्न है वो 2012 में पूछा गया है ध्यान से सुनिएगा केवल बस सामान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं आई नॉट जिनकी तीव्रताएं आई नॉट तथा नौ आई नॉट अध्यारोपित की जाती है यानी दो प्रकाश तरंगे हैं दो प्रकाश तरंगे हैं जिनकी तीव्रता है उनकी आवृत्ति समान है तो दो प्रकाश तरंगे माना ये प्रश्न नंबर आपका चार है तो माना दो प्रकाश तरंगे प्यारे बच्चों माना दो प्रकाश तरंगे जिनकी तरंगे जिनकी तीव्रता जिनकी तीव्रता कौन कौन है आई वन व आई टू है आई वन क्या है आई टू है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई अब आगे क्या कर रहा बोल रहा है कि जो आई वन है, है। चलिए और जो आई टू है उसकी तीव्रता नौ आई नाट है इतनी बात आप समझे आगे कह रहा प्यारे बच्चों ध्यान से दिखेगा यदि किसी बिंदु पर पैरामी तीव्रता सात आईनाट हो परिणामी तीव्रता मतलब प्यारे बच्चों आई इक्वल टू कितना है सात आईनाट हो तो आगे कह रहा है तो बिंदु पर तो उस बिंदु पर जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता ये है उस बिंदु पर आगे कह रहा है तरंगों के बीच का न्यूनतम कलांतर कितना होगा ये आपको बताना है प्यारे बच्चों तरंगों के बीच का न्यूनतम कलांतर कितना होगा यही केवल आपको बताना है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कलांतर के लिए अब जस्ट पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चों पिछले वाले वीडियो में तो तरंगों के लिए जो न्यूनतम कलांतर होता है वो होता है परिणामी तीव्रता आई से हम फार्मूला निकालते हैं तो इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इक्वल टू क्या होता है इधर देखिएगा आई इक्वल टू होता है आई वन ठीक प्लस आई टू होता है फिर क्या होता है प्लस टू अंडर रूट में आई वन आई टू इन टू कितना होता है, ये होता है पहले बच्चों वैल्यू रखते हैं अब आई वन के स्थान पे आई नॉट हो जाएगा आई टू के स्थान पे कितना हो जाएगा नौ आई नॉट हो जाएगा प्लस फिर ये टू हो जाएगा आई वन तो आई वन के स्थान पे कितना है आई नॉट है और I2 I2 के स्थान पे कितना है नौ आई नाट है ध्यान से इंटू कितना हो गया कॉस फाइव ध्यान से देखिएगा बस नौ एक दस तो ये आ जाएगा दस आई नाट ठीक प्लस टू अब देखिए नौ का गुणा यहां हो जाए तो आ जाएगा नौ आई नाट का स्क्वायर इंटू कितना कॉस फाइव और जो परिणामी तीव्रता है वो आपको पहले से दिया है सात आई नाट कितना है सात आई नाट ठीक ध्यान से देखना अब ये अंडरवुड से बाहर आएगा तो नौ का और मूल तीन हो जाएगा और इसका आई नॉट हो जाएगा ये बाहर आएगा ये आएगा तो तीन हो जाएगा तो तीन मिल जाएगा यहां पर तो दस आई नॉट प्लस छ आई नाट कैसे छ आई नॉट आया नौ का और मूल तीन तीन दुनी छ और ये आई नॉट हो गए इन कितना प्यार बच्चों का ध्यान से देखना ये आ गए सात आई नाट अब करते क्या है वो आप देखिए ये चीज हम क्या करते हैं एक दस आई को इधर भेज देते हैं तो सात आई नॉट माइनस दस आई नॉट बराबर उधर आ जाएगा छ आई नॉट कॉस फाइव ठीक ध्यान से देखिए सात में से दस घटा देते हैं तो माइनस तीन आई नॉट बचेगा और इधर आ जाएगा छ आई नॉट कॉस फाइव इधर देखिए तीन एक के तीन तीन दून इच्छा आई नॉट से आई नॉट कैंसिल तो इधर माइनस एक बचा है प्यारे बच्चों और ये दो है दो इधर आएगा तो किधर भाग में हो जाएगा और इधर केवल आपके पास कॉस बचेगा ठीक अब ये जो किसका मान होता है प्यारे बच्चों कॉस में माइनस एक बटे दो एक सौ बीस अंश का मान होता है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक सौ बीस क्या लिख देंगे कॉस एक सौ बीस बराबर कॉस फाइव ए भैया कॉस से कॉज की क्या हो गई विदाई हो गई तो लास्ट जो फाइनल उत्तर आया है उनके बीच का जो न्यूनतम कलांतर है वो कितना है प्यारे बच्चों 120 अंश है 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 इस प्रकार आपका जो चौथा नंबर है, वो भी क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों ध्यान देना कि कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में केवल ये नहीं पूछता कि आप कैलकुलेशन हार्ड करो आप उसका मानसिकता होता है कि आप कितना प्रिपेयर हो प्यारे बच्चों वो होता है कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए हार्ड नहीं होता कि आपको ज्यादा गुड़ा भाग करना पड़े चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम बातें करते हैं आने वाले गाइज आपको पांचवा नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि 2016 में पूछा गया क्या करा सामान आवृत्ति की दो तरंगों का आयाम पांच अनुपात तीन तीन है आयाम दिया गया ध्यान से देखना आयाम दिया गया है आगे करा व्यतीकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयाम तथा तीव्रताओं का भी अनुपात आपको बतानी है तो बिल्कुल हम तीव्रताओं का भी अनुपात बता देंगे और उनके महत्तम आयामों का भी अनुपात बता देंगे महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताएंगे तो ध्यान से रखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है पहले बच्चों बहुत ही मक्खनदार क्या करते हैं माना माना समान आवृत्ति की दो तरंगे माना सामान आवृत्ति की दो तरंगे हैं दो तरंगे हैं जिनका आयाम जिनका आयाम जिनका आयाम क्रमशः एवन व क्या है ए है जिनके आयाम क्रमशः ए वन और क्या है प्यारे बच्चों ए टू है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई जिनके आयाम क्रमशः ए वन और ए टू है अब पहला चीज पूछा है आपको पहले दिया क्या है ए वन बटे ए टू बराबर दिया है पांच अनुपात तीन ये दिया गया है ध्यान से देखिएगा अगर हम ए टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ए वन की वैल्यू मिल जाएगी तीन, ये A2 हो जाएगा ठीक अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट सवाल की तरफ पूछा था कि इनके महत्तम और न्यूनतम आयामों का अनुपात यानी महत्तम के लिए अगर हम बात करें तो ए मैक्स की बात कर लेंगे और न्यूनतम की बात करेंगे तो ए मिनिमम की बात करेंगे तो ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम तो मैक्स के लिए आयाम आपस में भैया इनके जुड़ जाते हैं और जो मिनिमम होती है हो, माइनस हो जाती है, है। ठीक चलो ध्यान से देखिएगा अब एवन का मान कितना है पांच बटे तीन ए टू है और ये ए टू इसे है आपका ठीक ध्यान से देखिएगा पूरे के बटे a1 का मान कितना है पांच बटे तीन और ये ए टू आ गया और माइनस कितना है ए टू बटे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा तीन का गुणा यहां कर देते हैं तो तीन ए टू हो जाएगा पांच तीन आठ करोगे तो आठ ए टू बटे कितना आएगा तीन आएगा इन्हें हल करेंगे तो पा तीन का गुणा यहां होगा तीन ए टू पांच में से तीन घटाएंगे दो ए टू बटे तीन तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा दो चौके कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा ए टू से ए टू कैंसिल हो जाएगा तो मिला जुला के बचेगा भैया चार बटे एक जिसे हम कह सकते हैं कि ए मैक्स अनुपाते मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा चार अनुपाते एक ठीक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे क्या कह रहा है कि इनके तीव्रताओं का अनुपात बताइए इन्हीं तरंगों के तीव्रताओं का तो तरंगों की जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी आई मैक्स बटे क्या हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू क्या होता है ए वन प्लस ए टू का होल बटे क्या हो जाता है ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर तो ध्यान से देखना ए वन प्लस ए टू को अभी आप लोगों ने हल किया था वो चार बटे एक आया है चार आया है और यहां ए वन माइनस ए टू का मान एक आया इनका स्क्वायर करेंगे तो चार चौके सोलह बटे एक आएगा यानी इनके तीब्रता महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात अनुपात है वो सोलह बटे एक है अगर हमें अनुपात निकालना है तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आई मीन इक्वल टू हो जाएगा सोलह अनुपात तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये वाला प्रश्न भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है पांचवा नंबर फर्स्ट और सेकेंड का उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा अब हम बातें करेंगे स्क्रीन पे अगला प्रश्न जो कह रहा होगा छठवें प्रश्न की तो प्यारे बच्चों अब जो छठा प्रश्न है वो अब यहां से यंग के प्रयोग पर आधारित हो जाता है इससे पहले हम लोगों ने परिमापी तीव्रता परिमापी आयाम का अनुपात निकाल रहे थे अब हम यंग के प्रयोग पर आधारित सवाल देखेंगे ध्यान से देखना जो कि पहला ही सवाल 2015 में पूछा गया है क्या करा यंग के द्विसलिट यंग के द्विसलिट प्रयोग में मतलब द्विजहरी के प्रयोग में स्लिटों की बीच की दूरी प्यार बच्चों जो स्लिटों की बीच की दूरी होती है उसे हमने डी से व्यक्त करके रखा आप जाके देख सकते हैं फिर करा कि स्लिट तथा पर्दे की बीच की दूरी तीन मीटर है तो पर्दे की बीच की दूरी कैपिटल डी से हम लोग व्यक्त करते हैं और तथा फ्रिंज चौड़ाई दो दशमलव एक गुड़े दस घाते माइनस दो दो दशमलव एक गुड़े दस घाते माइनस मीटर है सॉरी छह नहीं है तीन है दो दशमलव एक बुढ़े दस घाते माइनस तीन मीटर है तो प्रयुक्त प्रकाश का क्या ज्ञात करना तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना तो ये रहा आपका सवाल तो सवाल की एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट लिखेंगे क्या कर यंग के द्विसलिट प्रयोग के प्रयोग के बीच की दूरी यानी दो स्लिटो दो स्लिटो मतलब प्यारे बच्चों आप लोग जब चित्र वहां बनाए होंगे तो एक ऐसे ऐसे बनाए थे एक ऐसे तो यहाँ कहे थे यहाँ एस टू तो इनके बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी से व्यक्त तो यही दो झर या दो स्लिटों के बीच की जो दूरी होता है वही होता है प्यारे बच्चों तो आइए हम उसको समझते हैं तो छठा नंबर तो दो स्लिटों के बीच की दूरी दो स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी Osionfish. कितना दिया गया प्यारे बच्चों दस घाते माइनस तीन मीटर दस घाते माइनस तीन मीटर दिया गया है आगे करा और पर्दे की बीच की दूरी दोनों पर्दे की बीच की दूरी ये होता था प्यारे बच्चों ये चीज तो पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी इक्वल टू दिया गया है तीन मीटर कितना दिया गया है तीन मीटर आगे करा फ्रिंज चौड़ाई तो फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग डबलू से व्यक्त करते हैं वो दिया है दो दशमलव एक गुड़े दस घाते माइनस तीन मीटर साथ में कह रहा है कि आपतित प्रकाश का तरंग ज्ञात करो की भेलू पूछ रहा है प्यार बच्चों ध्यान से देखेगा तो हम लोगों ने फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक पढ़ा था तो फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है ध्यान से बताना भैया देख के बताओ तो W इक्वल टू होता है D लेमडा अपॉन D ठीक तो W की वैल्यू कितनी है दो दशमलव एक गुणित दस घाते माइनस तीन इक्वल टू डी इन टू लेना तो, तो प्राप्त है ना तो D का मान कितना है तीन है कितना है तीन है और ये लेमडा स्मॉल D का मान कितना है दस घाते माइनस तीन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इनका इनसे गुड़ा कर दें तो ध्यान से देखना दोस्तों की दो द, उधर तीन लेमडा आ जाएगा एक का गुड़ा तीन लेमडा सो जाएगा आप दस और हो बाकी वही रहेगा, ठीक? इनको भाग देते हैं, तीन सते दस तो देखिये इतना आएगा आपका मीटर में कितना प्यारे बच्चों में परंतु अगर आपका आंसर दिया होगा तो हम लोग बदल देंगे तो चलिए प्यारे बच्चों हम इनको में बदल सकते हैं बिल्कुल बदल सकते हैं कैसे बदला जा सकता है ध्यान से देखना कैसे बदलेंगे देखिए हमने क्या कहा पहले अगर पॉइंट को एक अंक उधर ले जाते हैं तो सात हो जाएगा तो वहां जो पावर है वो माइनस सात हो जाएगा तो लेमडा का मान ये आ जाएगा ये पूर्ण रूप से आपका आंसर यहां भी सही है परंतु तो अगर मुझे एंगेस्ट्रॉन में बदलना है तो मुझे आगे पावर माइनस तीन और चाहिए तो दशमलव जो यहां एक अंक ले गए थे वैसे दशमलव को मैं तीन अंक आगे लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों तो तीन अंक आगे लेके जाओगे तो एक दो तीन तीन जीरो लगाना पड़ेगा तब आपको दशमलव यहां लगाना पड़ेगा तो जो ये दसमलव सात है वो पावर माइनस क्या हो जाएगा दस अब इसे हम कहते हैं इंगेस्ट्रॉन इसे हम क्या कहते हैं इंगस्ट्रॉन तो आ जाएगा लेमडा इक्वल टू सात हजार इंगेस्ट्रॉन ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपके छठवें नंबर का जवाब जो कि यंग के प्रयोग के आधार पे है तो आप चाहो तीन प्रश्नों का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम बातें करेंगे आगे प्रश्नों की अगर आ गए सातवां नंबर प्रश्न यंग के व्यतीकरण के प्रयोग में 6000 हजार के तरंग के प्रकाश के लिए यानी लैम्डा का मान आपको प्यारे बच्चों छह हजार दिया गया है अब देखिए सवाल जो करा वो पहले समझो आप देखिए चित्रनुमा अगर समझे तो ये, ये वन और एस टू है इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या होता है होता है इनसे एक मीटर की दूरी पर एक दूसरा पर्दा रखा जाता है तो क्या करा जानते हो एक बार छह हजार का छह हजार का प्रकाश किरण आपतित कराया जा रहा है एक बार और तब जो फ्रिंज बन रही है तब फ्रिंजों के बीच की, की चौड़ाई है जीरो दशमलव जीरो सेमी ना अब अगली बार क्या करा प्यारे बच्चों हो? कि अगर हम पांच छह हजार एंगेस्टॉन था अब इस बार क्या करा कि अगर हम पांच हजार एंगेस्टॉन का प्रकाश किरण आपतित कराए तो तीसरे पर्दों पे जो फ्रिंज बन रही है उन फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई क्या होगी यानी W2 ज्ञात करना पहले बच्चों तो बिल्कुल हम आसान से ज्ञात करेंगे क्योंकि बोला है इसी स्थिति में मतलब न तो ये बदला है न तो ये बदला है जो है वो दोनों के लिए डी और कैपिटल डी की वैल्यू दोनों के लिए वही है अर्थात डी का भी मान इसके लिए एक है और इसके भी प्ले के बीच की दूरी स्मॉल इस्तेमाली है और इसके भी के बीच की दूरी स्मॉल माल डी है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम इसके लिए फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिल जाएगा यहां से हम फार्मूला जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू होता है डी लैम्डा क्या होता है प्यारे बच्चों डी लेमडा अपान कितना होता है डी होता है तो अगर हम इस फार्मूले से बात करें पहली स्थिति के लिए किसके लिए पहली पहले स्थिति के लिए तो जो पहले स्थिति की बात होती है तो उसके लिए क्या हो जाता है तो वहां हो जाएगा W के स्थान पे डब्ल्यू वन हो जाएगा बराबर D D तो आपका वही रहेगा बल्कि लेमडा के स्थान पे लेमडा वन अपान कितना हो जाएगा D हो जाएगा डब्ल्यू वन की वैल्यू रख दिया जाए तो जीरो दशमलव जीरो छह है और D की वैल्यू एक है और डा वन की वैल्यू छ हजार एंगेस्ट्रॉन है ये डी आ गया डी प्यारे बच्चों इधर कर दें और इनको उठा के इधर कर दें तो डी बराबर आ जाएगा 6000 हजार बटे कितना आ जाएगा जीरो दशमलव ये पॉइंट कटाएंगे ऊपर तो डबल जीरो लग जाएगा तो अब आपके पास आएगा ये आ गए बटे साठ भाग दे देते हैं तो 6 के छ एक दो तीन चार पांच तो एक गुड़े दस घाते पांच डी का मान आ जाएगा फिर बच्चों ध्यान से देखिएगा ठीक डी का मान आएगा एक गुड़े दस घाते इतनी बात आपकी क्लियर हुई क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई ये आपका आया बच्चों स्मॉल डी का मान अब हमको क्या चाहिए W2 टू चाहिए तो W2 टू बराबर होता है डी ले टू अपॉन डी तो ध्यान से देखना डी का मान एक है का का मान मान है और दी, दी का मान कितना है? एक गुड़े दस घाते तो तीन, तीन कम हो जाएंगे तो क्या बचेगा ऊपर पांच बचेगा प्यारे बच्चों और नीचे नीचे बचेगा दस घाते दो तो हम लिखते हैं इसे सौ और इन्हें कटाएंगे तो एक बटे कितना आ जाएगा बीस तो बीस में एक का हम भाग देंगे तो जाने वाला तो है नहीं तो जीरो दशमलव जीरो पांच आएगा कितना आएगा प्यारे बच्चों जीरो दशमलव जीरो पांच तो ये आ जाएगा डब्लू टू का मान जीरो दशमलव जीरो पांच सेवी ये प्यारे बच्चों इस प्रकार जैसे वहां फ्रिंजो की चौड़ाई जीरो दशमलव जीरो छ सेवी था वैसे यहां फ्रिंजो की चौड़ाई कितना आ जाएगा जीरो दशमलव जीरो पांच सेवी इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका सातवां प्रश्न भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बातें करने वाले प्रश्न नंबर आठ की आठवां प्रश्न गाइस आपके यूपी बोर्ड 2017 के सत्र में पूछा गया क्या करा ध्यान से देखना ऐसे ही सेम टू सेम सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है यंग के द्विसलिट प्रयोग में प्राप्त व्यतिकरण के फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए वो 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है यंग के द्झर्री प्रयोग में स्लिटो के बीच की दूरी जीरो दशमलव चार मीमी है तो स्लिटो यानी झिर्रियों की बीच की दूरी को डी से व्यक्त करते हैं जीरो दशमलव चार मिमी है तो मीमी को हम बदल देते हैं मीटर में तो जीरो दशमलव चार गुड़ित तो दस घाते माइनस तीन मीटर ठीक ध्यान से अगर हम पॉइंट यहां से हटा दें आगे ले चले जाए एक अंक तो चार गुड़े वहां पावर एक खो बढ़ जाएगा माइनस चार मीटर आ जाएगा ये की बीच की दूरी आ गई प्यारे बच्चों आगे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 हजार एंगेस्ट्रॉन है यानी लेमडा की वैल्यू छ हजार एंगेस्ट्रॉन तो इंगेस्ट्रॉन को बदल दे मीटर में तो छह हजार गुड़े दस घाते माइनस दस एक दो तीन कम हो जाएंगे तीन कम हो तो तीन ठो यहां कम होगा तो छह गुड़े दस घाते माइनस सात मीटर ये लैमडा का मान दे दिया ठीक आगे क्या करा ध्यान से सुनना दो मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतीकरण का प्राप्त व्यतीकरण में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अधिप्त फ्रिंज की दूरी बताना है और साथ साथ में आपको कह रहा है प्यारे बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है बिल्कुल अभी अभी हम आपको सारा प्रोसेस समझा रहे हैं ये दो मीटर है ना केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अधिक्त फ्रिंज की दूरी आप पांचवें अधिक्त फ्रिंज की दूरी और साथ में प्यारे बच्चों कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि फ्रिंज की चौड़ाई ध्यान से आइए सवाल पहले क्वेश्चन तब आएंगे इधर पांच नंबर की बात है प्यारे बच्चों ध्यान से ये ऐसा हम लोग पर्दा ले लेते हैं जिसमें दो ठो होता है है एक एक का का नाम नाम S1 हो जाता है, एक का नाम S2 इन्हीं के बीच की दूरी को तो हम लोग बहुत पुराने जमाने से स्मॉल नाम दिए हैं ठीक और एक पर्दा ऐसा रखते हैं जिनमें कोई को छेद नहीं होता उसकी बीच की दूरी कैपिटल डी तो ये दोनों कथाएं आपको दी गई है स्मॉल डी की वैल्यू है और कैपिटल डी की वैल्यू है ठीक आगे क्या कर रहे हैं भाई आगे बोल रहे हैं कि इनसे इनसे जो है तरंगे निकल रही हैं ठीक यहां पर और इनसे यहां से निकल रही है तो ये जहां दोनों मिल रही हैं और ये हो गई केंद्र ठीक तो केंद्र से मान लो यहां आपका ये पहला रहा होगा और ये आपका दूसरा रहा होगा ये आपका तीसरा अधित्त होगा अगला ये आपका चौथा अध्य होगा अगला आपका ये पांचवादीप्त होगा तो भाई साहब बोल रहे हैं कि इस केंद्र से पांचवे अधित्त फ्रिंज की दूरी पांचवे अधित फ्रिंज की दूरी तो कुछ भी हो फ्रिंजों की दूरी के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स। यही एक्स हमको ज्ञात करना है वो भी पांचवें केंद्र से पांचवें दूरी आपको बताना है साथ में कह रहा है और साथ में पूछा है भाई प्रत्येक फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई यानी डब्लू बताना है क्या बताना है डब्लू तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा अगर आपने थ्योरी वाला क्लास देखा होगा तो आइए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों कैपिटल एक्स का मान तो वहां पर बिल्कुल हम आसान तरीके से ज्ञात करेंगे भैया देखो एकदम मक्खन तरीके से सवाल आएगा फर्स्ट नंबर केंद्र से केंद्र से अधिक फ्रिंज की दूरी अधिक फ्रिंज की दूरी तो यहाँ पांचवें के भी हमने नहीं लिखा है केवल अद्वित फ्रिंज की दूरी के लिए जो व्यंजक होता है वो लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू होता है टू एम माइनस वन लेमडा डी बटे कितना होता है टू डी यही होता है प्यारे बच्चों यही फार्मूला होता है ध्यान से अब क्या कह रहे हैं भैया पांचवें की बात कर रहा है तो पांचवे के लिए तो यम का मान क्या हो जाएगा पांच यम का मान क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा पांचवे पांच की बात कर रहा है तो यहां x के स्थान पे आ जाएगा x फाइव यानी पांचवे अधिक या फ्रिंज की दूरी बराबर टू m के स्थान पे क्या आ जाएगा पांच माइनस एक आ जाएगा इन टू लेमडा का मान आपको दिया कर बच्चों छ गुड़े दस घाते माइनस सात कैपिटल D का मान दिया है दो और बटे कितना है टू और स्मॉल डी का मान कितना है चार गुड़े दस घाते माइनस चार ध्यान से देखिए क्यों आपको हल करना है ये इनसे कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस तीन बचेगा दो से दो कैंसिल हो जाएगा फिर दो तेई छ चार ना तो क्या बचा ध्यान से देखिए एक्स फाइव इक्वल टू दो यहां देखिए दो पंचे दस और दस में से एक घटा देते हैं नौ नौ गुड़ित तीन बचा है और गुड़ित यहाँ चार ये तीन बचा था पर दस घाते माइनस तीन और बटे क्या बचा दो नौ तरीक सत्ताईस सत्ताईस बटे दो गुड़े दस घाते माइनस तीन भाग देंगे तो लगभग लगभग साढ़े तेरह मतलब तेरह दशमलव पांच गुड़े दस घाते माइनस तीन तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ये इस प्रकार आ जाएगा अब आप जरूर मिला लीजिएगा कि आपका आंसर किसमें दिया है तो प्यारे बच्चों यही दिया है तेरह दशमलव पांच गुड़े दस घाते माइनस तीन मीटर तो पांचवें जो दूरी है वो तेरह दशमलव पांच गुड़े दस घाते माइनस तीन मीटर आएगा साथ में इसी में पूछ रहा था कि फ्रिंजों की बीच की चौड़ाई सेकेंड पोर्शन में इसी में पूछा था कि फ्रिंजों की चौड़ाई फ्रिंजों की चौड़ाई तो भैया ध्यान से देखना फ्रिंजों की जो चौड़ाई का व्यंजक होता है वो W इक्वल टू होता है d लेमडा बटी d. अब कैपिटल D का मान कितना है प्यारे बच्चों? दो है और लेमडा लेमडा का मान कितना है छ गुणित दस घाते माइनस सात मीटर है और स्मॉल d. स्मॉल d का मान कितना है चार गुणित दस घाते माइनस चार है ध्यान से देखना दोस्तों ये माइनस चार से ये कैंसिल होगा तो ऊपर माइनस तीन बचेगा और ये दो दूना चार और दो त्याई यानी तीन ऊपर कितना बचा दस घाते माइनस तीन तो फ्रिंजों की जो बीच की चौड़ाई आई है वो तीन गुड़े दस घाते माइनस तीन या भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो तीन बटे दस घाते तीन पावर नीचे आया प्लस हो गया इसे हम लिख सकते हैं तीन बटे एक हजार और भाग देंगे तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा जीरो दसमलव जीरो जीरो तीन ये आ जाएगा आपका मीटर तो फ्रेंजो की चौड़ाई आप चाहे वहां ले छोड़ सकते हैं चाहे वहां पर लाके हल करके छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों आपकी इच्छा आपके बुक में यही तक हल किया है यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों तो उम्मीद है कि अब आपके एग्जाम में अगर नंबर का ऐसा सवाल पूछता है तो छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों बस ध्यान से तो आप चाहो तो एक स्क्रीन शॉर्ट लीजिए फिर हम बातें करेंगे आगे हाँ इसी में जो अभी कह रहा था ना कि सूत्र स्थापित कीजिए तो सूत्र तो हमने भाई क्लास में बताया ना प्यारे बच्चों इसलिए हमने नहीं बताया ठीक आप वहां से जाके देख सकते हो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है वहां से देख लीजिएगा फिर हम बातें करने वाले प्रश्न नंबर नौ का प्रश्न नंबर नौ भी बहुत ही बढ़िया 2017 में पूछा गया ध्यान से यंग का प्रयोग के साथ साथ यंग के प्रयोग के आधार पर न्यूमेरिकल आपसे पूछना ही पूछना रहता इस बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा बस तो गाइज आपके स्क्रीन पे नौवा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा क्या कह रहा है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी जीरो दशमलव दो मीमी है यानी इस बार इस डी का मान जीरो दशमलव दो मीमी है भैया मिमी को बदलेंगे तो मीटर में तो दस घाते माइनस तीन पॉइंट को एक अंक आगे ले गए तो दो गुड़े दस घाते माइनस चार मीटर ठीक ये आगे पर्दा एक दशमलव छह मीटर दूरी पर है मतलब कैपिटल का मान एक दशमलव छह मीटर है यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी क्या कह रहा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अर्थात चौथी फ्रिंजों के बीच की, की दूरी एक दशमलव आठ सेंटीमीटर है कितना है प्यारे बच्चों एक दशमलव छ नहीं है प्यारे बच्चों हाँ एक दशमलव ही है क्या कर रहा है हाँ कि फ्रिंजों के बीच की, की दूरी एक दशमलव आठ सेमी है तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदर्ग बताना है तो ध्यान से देखना क्या कर रहा है कि प्रकाश का तरंगदैग यानी का बताना है, है चौथी अधित, तो अधित फ्रिंज की दूरी होती है एक्स फोर जिसे हम अभी वहां चित्र बनाए थे इससे पहले प्रश्न में तो एक्स फोर की वैल्यू दी गई है भैया एक दशमलव आठ सेमी इनको मीटर में बदल दें तो दस घाते मीटर हो जाएगा इस बात को ध्यान से, से देखिए एक एक बना लीजिए तो ये एस वन हो गया ये एस टू हो गया ये स्माली होता है इससे कैपिटल डी दूरी पर खो पर्दा रखते हैं और ये इसका केंद्र हो गया तो ये मान लेते हैं पहला ये आपका दूसरा दीप ये तीसरा आपका और ये आपका चौथा दीप्त तो चौथे अधिक्त पर चौथे यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको ये चीजें दी गई है ठीक तो कह रहा है आप लेमडा का मान याद करो बस यही चीज कह रहा तो बिल्कुल हम आसान तरीके से लगा सकते हैं ध्यान से देखिएगा, केंद्र से केंद्र से चौथी अधित फ्रिंज की दूरी चौथी अधित फ्रिंज की दूरी तो चौथी अदित फ्रिंज की दूरी के फ्रिंज की दूरी का व्यंजक क्या होगा ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा x4 equal to 2m minus one लैम्डा d बटे कितना था 2d यही था ना अब x4 का मान आपको दिया है एक दशमलव आठ गुणित 10 घाती minus two जहां two m के स्थान पे चार minus one लेम्डा, लेम्डा करना है है कैपिटल डी डी का मान एक और टू और डी का मान मान और और कितना है? दो गुड़े दस चार। अब ध्यान से देखिए पर बच्चों कुछ भी नहीं करना केवल दो दूनी चार चार चौके कितने हो जाएंगे सोलह मतलब जीरो दशमलव चार आ जाएगा ऊपर ठीक अब बराबर यह है तो एक दसमलव आठ गुड़े दस घाते माइनस दो बराबर दो चौके आठ आठ में से एक घटा दिए सात गुड़े लेमडा गुड़े जीरो चार चार पूरे के बटे दस घाते माइनस इधर देखिए इतनी बात आप आप समझे अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सात गुड़े लेमंडा गुड़े जीरो दसमलव चार बराबर इनका गुड़ा करेंगे तो चार दो कितने हो जाएंगे छह एक दसमलव आठ गुड़े दस घाते माइनस छ क्या इतनी बात सुन रहे आपको अब देखिए सात चौके अट्ठाईस यानी दो दशमलव एक दशमलव आठ गुणे दस घाते माइनस ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को क्या कर देगा काट देगा अब आप केवल भाग दे दीजिए चार से जिससे कट रहा हो आपका तो कटा दीजिए अगर दो से कटाएंगे तो चौदह दुनी अट्ठाईस और नौ दुनी अठारह ठीक अब आपको केवल चौदह को इधर कर दीजिए तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा नौ बटे चौदह गुड़े दस घाते माइनस छ तो चौदह में नौ का क्या कर दीजिए नौ में चौदह से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा बच्चों तो भाग देंगे तो लगभग आएगा देखिए भाग दे देते हैं जीरो दशमलव छह चार दो भाग देंगे तो लैम्डा का मान जीरो दशमलव चार दो आठ ठीक गुड़ित कितना है दस घाते माइनस छ दस घाते माइनस छ मीटर तो ये आगे अगर तरंग दैर्घ्य में बदलना है प्यारे बच्चों तो पॉइंट को एक दो तीन तीन अंक चार अंक आगे लेके चले जाइए तो छह चार दो आठ जब चार अंक आगे ले गए तो दस घाते माइनस दस मीटर हो जाएगा इसे ही तो हम इंगेस्ट्रॉन कहते हैं तो छ चार दो आठ इंगेस्ट्रान आ जाएगा तो लैम्डा का मान ये भी मिल जाएगा इस प्रकार आपका एंगेस्ट्रॉन और मीटर दोनों में आ जाता है तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों जो 10वां नंबर प्रश्न है वो 2014 और 2013 में पूछा गया क्या रहा यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की जो दूरी 0.5 मिमी दिया गया है 0.15 मिमी है 0.15 मिमी है यानी भैया स्मॉल डी का मान जीरो दशमलव एक पाँच मिमी है अब मिमी को मीटर में बदलेंगे तो जीरो दशमलव एक पाँच गुणित दस घाते माइनस तीन मीटर ना अब ये पॉइंट एक अंक आगे और ले जा रहे हैं तो एक दशमलव पाँच गुणित दस घाते माइनस चार मीटर तो ये स्मॉल डी का मान आ गया आगे कर रहा कि तथा तो पर्दा एक दशमलव पांच मीटर दूरी पर रखा है तो पर्दा एक दशमलव पांच मीटर यानी यह कैपिटल डी का मान है केंद्रीय फ्रिंज और चौथी फ्रिंज केंद्र से चौथी फ्रिंज की दूरी दिया है एक दशमलव आठ सेमी कितना दिया है एक दशमलव आठ तो चौथी तो एक दशमलव आठ सेमी सेमी को मीटर में बदल दे तो एक दशमलव आठ गुड़ी दस घाते माइनस दो मीटर तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग तरंगद ज्ञात करना है तो लैम्डा ज्ञात करना है प्यारे बच्चों सेम नौवे प्रश्न के जैसा है एकदम सेम टू सेम डिट्टो वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों तो हम करते क्या है तो केंद्र से अभी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे केंद्र से चौथे क्या भैया चौथे फ्रिंज की दूरी चौथे फ्रिंज की दूरी अधिक फ्रिंज की दूरी तो उसके लिए व्यंजक क्या होता है ध्यान से देखिए होता है एक्स फोर इक्वल टू टू एम माइनस वन एक दशमलव आठ गुणे दस घाते माइनस दो यहाँ दो एम का मान कितना चार माइनस एक फिर लेमडा का मान ज्ञात करना है कैपिटल d का मान कितना है एक दशमलव पांच और यहाँ पर टू स्माल डी का मान कितना है एक दसमलव पांच गुड़े दस घाते माइनस चार देखिये ये ये कैंसिल हो जाएगा दो यानी नीचे इधर कुछ भी नहीं बचा और केवल बचा उधर है एक दसमलव आठ गुड़े दस घाते माइनस दो दो चौके आठ आठ में से एक घटा दिए सात तो बचा सात और उधर क्या बचा है तीन और नीचे क्या बचा ऑनली दस घाते माइनस चार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इंटू इन टू क्या बचाडा था ना प्यारे बच्चों तो इन क्या बचा बचाडा तो, तो, तो दसमलव आठ गुड़े चार दो छाते माइनस छ अब इनको हम इधर से भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा तो क्या कर देंगे बराबर आ जाएगा एक दसमलव आठ बटे इक्कीस और गुणित कितना है दस घाते माइनस छ तो भाग देते हैं एक दसमलव आठ में इक्कीस से हम भाग देंगे कितना आ जाएगा तो जीरो दसमलव कितना आया गया प्यार बच्चों जीरो दशमलव जीरो आठ पांच सात ना एक गुड़े दस घाते माइनस छ एक जाने दो इतना ही लिखिए बस अब देखिए प्यार बच्चों ये आपका मीटर में आया है ये किसमें आया है मीटर में आपको इंगेस्ट्रॉन में बदलना है तो पॉइंट को चार अंक ले जाइए एक दो तीन चार तो चार अंक आगे लेके जाएंगे तो लेना आठ पांच सात और वहां दस घाते हम इंगेस्ट्रॉन कहते हैं तो आठ सौ सत्तावन इंगेस्ट्रॉन आए तो गेद है कि आज मैंने जितना सवाल आज की वीडियो में हमने आपको बताया प्यारे बच्चों वो सभी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे और सभी सवाल आप लोगों ने देखा है अब आपको एक आंकड़ा या अनुमान जरूर लग गया होगा कि यंग के प्रयोग और प्रकाश के व्यतीकरण से आधारित जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो ऐसे आते हैं प्यारे बच्चों तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी सहयोग देने वाली है आपके क्लास में या आपकी टारगेट में काफी मदद करेगा प्यारे बच्चों तो उसी प्रकार आप आप लोग भी जो है इस आप लोगों का फर्ज बनता है जिस प्रकार आप इन सवालों को समझ पाए उसी प्रकार सभी यूपी बोर्ड के प्री विद्यार्थी इन सवाल को समझे तो आप इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के विवर्तन के टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट